तो रैली में आप मौजूद थे जी, क्या बोला मोदी जी ने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुरादाबाद, जैसे कि बताया कि सब अभी वंदे मातरम का हम ऐसे जैसे माँ गठबंधन हुआ, उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को उतारा जिनसे वंदे मातरम वो भी विरोध करते हैं, वो विरोध करते हैं। वंदे मातरम का विरोध संभल के, आपको पता ही है मीडिया बंधु हो आप, समझदार हो आपको बताने की, मीडिया बंधु तो समझदार है पर हम आपसे जानना चाहते हैं। अभी बताएंगे हम आपको, हाँ समय आने बताएंगे। ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका, वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम ये तो आपको भी नहीं आता है। पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। ऐसा नहीं है, नहीं आपने है, सुनाया नहीं? जनगण मन आता है पूरा। अभी मैं एक मिनट है, हेलो, विजय संकल्प रैली वीवीआईपी हैं आप तो, हेलो, आपको सुनाना है जनगण मन? जनगण मन तो आता होगा पूरा। आता है लेकिन अभी मैं नहीं सुनाना चाहता। आता है लेकिन अभी नहीं सुनाना चाहते। चलिए सुनाइए। देखिए मैं नहीं, देखिए नहीं, सुनाइए। आप मोबाइल में क्यों चेक कर रहे हैं? आप मोबाइल में क्यों चेक कर रहे हैं? आप गाने तैयार हैं? हाँ बिल्कुल गाएंगे। आप गाइए। संशयाम मल्याम सुब्रत ज्योतिषम पुलकित्याम सुमिता दुमल सुनामीम सुहासिन सुमंद्र भुस्मानी वंदे मातरम। बस भैया बस, बंकिम चंद्र जिंदा होते तो कसम से इनके पैरों में गिरकर माफी मांग लेते, हमने ऐसा तो नहीं लिखा था। जी हाँ, यही है सियासत की असली तस्वीर। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह 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 उस्ताद वाह, क्या विचार है, कसम से मानना पड़ेगा। उफ, मन इमोशनल हो जाता है।